और बदायूं में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईद उल फितर की नमाज शांतिपूर्वक तरीके से अदा की गई। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। बदायूं में छोटे सरकार की ईदगाह पर ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। सपा के राष्ट्रीय महासचिव और बदायूं से समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव ने ईदगाह पहुंचकर देश प्रदेश के सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने ईदगाह पर गले मिलकर मुबारक दी। उन्होंने कहा कि चुनाव का समय भी है, इसलिए सभी को शांतिपूर्ण ढंग से ईद का त्यौहार मनाना चाहिए और सभी को लोकतंत्र के इस महापर्व पर अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। ईद के सभी को, सभी देश विदेश और सभी मुसलमान भाइयों को ईद की बधाई। देखिए, ये चुनाव का बड़ा परिवार है, चुनाव का भी है, चुनाव के अवसर पर ईद भी है, तो ईद भी मनाना है और पूरी तरह से शांति से, बस अल्लाह से यही मेरी प्रार्थना है कि शांति से पूरे सभी लोग ईद को बहुत अच्छी तरह से मनाएं।